आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तंत्र विद्या का महत्व जाने। तंत्र विद्या होती क्या है? वैसे तो ये पूरा काल से कितने हजारों वर्षों से वैदिक काल से भी ये यंत्र मंत्र तंत्र की विद्या चलती आ रही है और ये कामयाब भी होती है। ये नहीं क्योंकि ये तीनों चीज़ें कामयाब होती है, परंतु अब ये तंत्र विद्या क्या है? तंत्र विद्या का मतलब है दो चीज़ों का संयोग। आध्यात्मिक रूप से देखें तो मन और आत्मा का संयोग, अगर इनका संयोग हो जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से लौकिक अर्थों में अगर देखा जाए तो दो चीज़ों के मेल से या अधिक चीज़ों के मेल से किसी का हित या अहित किया जाए उसके प्रति, तो वो कहलाता है तांत्रिक विद्या। तो ये तांत्रिक प्रभाव आज कलयुग में भी बरकरार है और यकीन मानो आप इसका गलत प्रभाव अगर मान लो कोई करता है गलत प्रभाव से तो उसका अहित हो जाता है। समय पर अगर इसका किसी विद्वान पंडित या तांत्रिक समन नहीं कराने तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अब कैसे पता लगा मैं कि इस परिवार पर या किसी व्यक्ति पर ये तांत्रिक विद्या कर रखी है? तो सबसे पहले तो वो उस परिवार के सभी सदस्य चिड़चिड़ेपन, यानी उनमें चिड़चिड़ापन होगा उसमें, और बाकी अक्सर उस परिवार में ज़्यादातर लोग बीमार मिलेंगे आपको, और किसी भी व्यक्ति का काम करने में किसी का मन नहीं लगता है। अचानक किसी दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और हर कामों में रुकावट आती है। रात के समय चमगादड़ों का आना जाना रहता है उस परिवार के भवन में, और रात के समय उस भवन के पास अगर कुत्ते भौंकते हों और किन्हीं सदस्यों की काम में नौकरी में रुकावट आती हो, तो इससे अगर संकेत मिलते हैं तो निश्चित रूप से आप मानिए किसी तांत्रिक ने आपके परिवार पर या आपके किसी व्यक्ति पर ऐसी क्रिया करा रखी है। तो आप से मैं गुजारिश करूँगा कि इससे अगर आपको दिखे संकेत तो ज़रूर आप किसी पंडित या तांत्रिक से इसका समन अवश्य कराने। अगर मान लो ऐसा नहीं कराने तो परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। धन्यवाद।